जैन सिंह, देखिए रिसेंटली इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की तरफ से एक न्यू ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है वैकेंसी को लेकर, जिससे हम लोग हिंदी में खुफिया विभाग के नाम से जानते हैं। और ये जो वैकेंसी आप सभी के लिए बहुत ही खास हो सकती है, क्योंकि ऑल इंडिया ओवर से आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इसमें आपको अच्छा खासा वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर स्नातक पास है यानी कि ग्रेजुएट है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं किसी भी राज्य से। तो चलिए हम लोग इस वैकेंसी के बारे में पूरे डिटेल में बात करते हैं कि आखिर यार कब से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या रखा गया है, सारा इन्फॉर्मेशन वो डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कि मैंने इसके शॉर्ट ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है, अगर आप इसको खुद से रीड करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इस नोटिस को सेंड कर दूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि जो नोटिस है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की तरफ जारी किया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन यहाँ पर इन्वाइट किया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, जो आपका पोस्ट रहेगा यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्रिप्टी का पोस्ट रहेगा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, और इसमें जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पर नीचे आने के बाद देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया नंबर ऑफ अप्रोक वैकेंसी जो कि यहाँ पर टोटल वैकेंसी संख्या आपको 995 है, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी देख सकते हैं ओबीसी एससी एसटी यूआर ईडब्ल्यूएस। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें देखिए सैलरी बहुत यहाँ पर अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए लेवल 7 के अनुसार जो आपका सैलरी है 44,900 रुपया शुरुआत हुआ, जो कि आपको 1,42,400 रुपये तक आपको सैलरी दी जाएगी। तो बहुत यहाँ पे अच्छा खासा सैलरी देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे आप दे सकते हैं, बेसिक ही आपको 44,000 रुपये देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर देखिए साफ थ्रू मेंशन किया गया है कि ग्रेजुएशन आपको पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्नातक हैं किसी भी स्ट्रीम के साथ तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखिए इसमें एज लिमिट आपको 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच रखा गया है। साथ ही अगर आपका उम्र में छूट लेना चाहते हैं, उम्र आपका ज़्यादा हो चुका है तो फिर यहाँ पर छूट भी ले सकते हैं। जैसे कि एस सी एस टी के लिए 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप छूट भी ले सकते हैं। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि आखिरकार आप इस फॉर्म को कब से फिलअप कर पाएंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया। उससे पहले हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी समझते हैं कि आखिरकार इसमें अप्लीकेशन फ़ी क्या है, कब से आवेदन स्टार्ट होगा, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेंशन किया है कि जो आपका अप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 25/11/2023 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 25 नवम्बर से आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। वही हम लोग बात करें लास्ट डेट के बारे में, तो 15 दिसंबर 2023 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, अभी आवेदन स्टार्ट नहीं है, 25 नवंबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में मेंशन किया गया कि जो यहाँ पे फ़ी लगेगा वो आपको 100 रुपया लगेगा, साथ ही 450 रुपये लगेगा। और यहाँ पर देखिए जो आपका फ़ी रहेगा कैटेगरी के अनुसार आता है, जैसे कि आल कैंडिडेट के लिए जो आपका फ़ी रहेगा 450 रहेगा, और जो कैंडिडेट यहाँ पर मेल कैंडिडेट है यू आर डब्ल्यू एस एंड ओ बी सी कैटेगरी में, तो यहाँ पर इनका 100 रुपया चार्ज देना होगा, तो यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी के रूप में यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, अब देखिए मेंशन किया गया मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि आप इस पेमेंट को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग डेट 15/12/2023 मेंशन किया गया, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि 15 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, ऊपर आने के बाद यहाँ पर देखिए रिटेन एग्जामिनेशन के बारे में मेंशन किया है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जाम में, जो कि यहाँ पे देखिए करेंट अफेयर्स, जनरल स्टडी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आएंगे, जो कि यहाँ पर टाइम दिया गया 1 घंटा है। मार्क्स यहाँ पे 100 है। यहाँ पे देखिए सेकेंड मेंशन किया गया टायर 2 का एग्ज़ाम है। ठीक है, इसमें भी आपको 1 घंटा का एग्ज़ाम लिया जाएगा समय, और यहाँ पर मार्क्स 50 दिए जाएंगे। थर्ड में आपका इंटरव्यू होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए अभी इसका शॉर्ट नोटिस आया है, फुल नोटिस अभी आना बाकी है, लेकिन मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सारा डिटेल समझ गए होंगे। फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित, इस वैकेंसी संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपका कमेंट का आंसर दे पाऊँ। ठीक है, देखिए पिछले 10 दिन से वीडियो लगातार नहीं आ रहा है, उसका रीज़न वर्ल्ड कप का मैच था या फिर कुछ अभी पर्व त्यौहार था जैसे कि दिवाली, छठ, इसी में मैं थोड़ा बिजी था। अब से आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए वापस जय हिंद।